हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, विच मींस जो अलग अलग चीज़ें डेली लाइफ में हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसमें हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसी के लिए मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे दिया है द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी कि जैसे कि ये पॉपुलेशन है, जो पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो इंक्रीज मतलब कि एक प्लस साइन है, और प्लस साइन के लिए हम लोग फॉर्मूला जो अमाउंट का है वही यूज़ करने वाले। अमाउंट का हम पी ब्रैकेट में 1 + r/100 raised to n, यही फॉर्मूला यूज़ करना है। ठीक है, सिर्फ अभी हम लोग प्रिंसिपल जो है 2,50,000 है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, और उन्होंने बोला है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ 2012। अगर 2010 में इतनी पॉपुलेशन थी तो 2 साल का गैप है देखो दोनों में, 2 ईयर्स। तो क्वेश्चन है इजी, लेकिन ये क्वेश्चन क्या था, अमाउंट से रिलेटेड नहीं था, ये पॉपुलेशन से रिलेटेड था, इसलिए तो हम लोगों ने यूज़ किया कि एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज़ कर रहे हैं और हम पॉपुलेशन फाइंड कर रहे हैं, तो लेट्स फाइंड आउट द पॉपुलेशन। यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000, 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट वॉज 8/100 एंड देन 2 ईयर्स। मैं इसको 4 के टेबल से डिवाइड कर देता हूँ तो ये हो जाएगा ऐसा कुछ, और एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आंसर आएगा 27/25। अब मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में कर देता हूँ, 2 टाइम्स वी हैव टू राइट दिस बिकॉज स्क्वायर की लिखा हुआ है ऊपर, और यहाँ पे 2,50,000। ओके, ये 1 जा एंड दिस विल बी कम 10,000, 1 जा एंड दिस विल बिकम 400। देखो इसमें फाइव प्रॉफिट, इसमें मतलब अच्छा क्या चीज़ है वो ये है कि आपकी जो पॉपुलेशन के आंसर्स है वो कभी भी डेसिमल में नहीं आने वाले। ठीक है, सो डायरेक्टली यू कैन फाइंड आउट 27 × 27 कितना होता है, आई थिंक 849 हम लोगों ने लास्ट टाइम किया था, तो वो चेक कर लो कि कितना है 849, या से आई थिंक 729 होता है, और उसको अगर आप 400 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर कितना आना चाहिए दोस्तों, तो वो होना चाहिए आई थिंक 2,91,600। आई थिंक वी शुड चेक दिस आउट कि राइट आंसर आया है कि नहीं। तो प्रैक्टिस सेट नहीं, सॉरी प्रैक्टिस सेट नहीं था ये, आई थिंक ये एग्जाम्पल में ही हम लोग सॉल्व कर रहे थे, तो उसमें से चेक कर लेते हैं। 2,91,600, सो दिस वन इज़ द राइट वन। ओके, यहाँ पर देखो तो हमारा भी वही कुछ आया है। एग्जाम्पल 2 की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पर देखो उन्होंने बोला है कि रिहाना परचेज द स्कूटर इन द ईयर 2015। ईयर याद रखना है आपको, 2015 में परचेज किया गया है फॉर 60,000। प्रिंसिपल कंसिडर करो, 60,000 रुपीज़ का है वो, एंड देन इट वॉज इट इफ इट्स वैल्यू फॉल्स बाई 20%, रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% है, वैल्यू जो है कम होती जा रही है, ये याद रखना है। आपको पता क्या करना है, 2 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी कम होगी, तो यही इसीलिए एप्लीकेशंस मतलब एप्लीकेशंस में हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूलाज यूज़ कर रहे थे। यहाँ पर तो पॉपुलेशन इंक्रीज हुई लेकिन यहाँ पर डिक्रीज हुई, मतलब माइनस की बात हो रही है। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूला तो अमाउंट का ही लेना है लेकिन यहाँ प्लस की जगह माइनस लिखो, क्योंकि अमाउंट जो है 2 साल बाद कम होगी। कोई भी अगर वैल्यू परचेज करते हो आर्टिकल और कुछ सालों बाद उसको आप बेच देते हो तो वैसे भी उसकी वैल्यू जो है ओरिजिनल वैल्यू से कम ही आने वाली, तो यही आपको समझाना था कि यहाँ पे आपको जो है माइनस लेना है वैल्यू कम होने के समय। रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% था, आंसर्स बहुत इजी इजी आते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, 5 - 1 हो जाएगा 4/5, और ये 2 साल में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 60,000 देखो यहाँ पर। ठीक है, 5 × 1 = 5, अभी देखो ये डिवाइड होना शुरू होगा, 1,2,12,000,
और उसके बाद में ये भी डिवाइड होगा 2400। अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम लोग हमेशा करते हैं। 2400 को आप करोगे 16 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 4 4 16 होता है, और मल्टीप्लाई करने के बाद देखो आंसर क्या आता है। 24 और 16 जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपका आएगा 38400। तो आपकी एक्चुअल वैल्यू जो है वो 38,400 रुपीज़ आपको 2 साल के बाद में 60,000 के स्कूटर पर मिलेगी, ठीक है। तो वही हम लोग अब चेक करने वाले हैं। लेट्स चेक इट आउट। देखो 38,400 आपको जो है वो मिल जाएगी आपकी वैल्यू। अब देखिए एग्जांपल्स तो हम लोगों ने कर लिए कि प्लस वाला एक कर लिया, माइनस वाला। अब हम सीधे सीधे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे आ जाते हैं, और आज हम लोग सिर्फ 5 क्वेश्चंस करने वाले थे, जिसमें से पहले 2 हो चुके हैं, और बस लास्ट के मतलब और 3 क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, ताकि आप लोग जो है इन क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर सको। ज़्यादा बर्डन भी नहीं देना चाहते आपके ऊपर हम लोग। चलो 14.2 स्टार्ट करते हैं। कंस्ट्रक्शन फ्लाईओवर का चल रहा है, ब्रिज का। 320 वर्कर्स इनिशियली काम कर रहे हैं, तो भाई पी है 320, और नंबर ऑफ वर्कर्स इंक्रीज बाय 25%। हाँ भाई 25% एवरी ईयर, 2 साल मतलब 2 ईयर्स के बाद में कितने वर्कर्स होंगे। तो चलो वही है, इंक्रीज है, मतलब कि प्लस वाला फॉर्मूला आपको ये तो पता है। तो इसमें होगा 320 ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 25 अपॉन 100 रेज्ड टू 2 ईयर्स। सीधे सीधे डिवाइड करके 5 अपॉन 4 दो बार मैं लिखने वाला हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एलसीएम लेता हूँ यहाँ पे। तो 4 प्लस 1 5 होता है, और नीचे 4 आता है, और स्क्वायर लिखा हुआ इसलिए हम लोग डायरेक्टली ही लिख रहे हैं अभी। अब देखो 320 लिख दिया मैंने, ये 1 जा और ये 8 जा 80, ये 1 जा, ये कितना होगा 20। तो बहुत सिंपल, देखिए 20 × 5 होता है 100, और × 5 आता है आंसर टोटल। भाई 500 वर्कर्स मिलेंगे आपको 2 साल के बाद में। क्या इसका आंसर हम लोग चेक कर सकते हैं? तो आई थिंक एक्सरसाइज के आंसर जो है वो दिए हुए होते हैं। 500 आंसर इज द राइट आंसर। अब आ जाते हैं नेक्स्ट की। भाई फोर्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, सेकेंड और थर्ड आप लोग होमवर्क करने वाले हो। फोर्थ क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं सीधे सीधे। कॉस्ट ऑफ मशीन इज 2,50,000। तो भाई प्रिंसिपल, चलो शुरुआत में हम लोगों ने इतनी बड़ी अमाउंट दी गई, इसका मतलब यही है हमारा प्रिंसिपल। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का मतलब किसी भी अमाउंट का घट जाना, वैल्यू का घट जाना। तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगी। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है दोस्तों, 10% आफ्टर 2 ईयर्स, ठीक है। रेट फाइंड द डेप्रिसिएशन इन प्राइस, मतलब प्राइस कितनी कम हुई ये पता करना है हमें। अमाउंट इज इक्वल टू P1 + R/100 रेज्ड टू n, बट यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा। अब ये याद रखना जरूरी है, 2,50,000 भी यहाँ पे आ रहा है। 1 - 10/100, विच मीन्स ये ऐसे कुछ कट होगा, यहाँ पे आएगा 2। एलसीएम लोगे आप तो 9/10 × 9/10, और यहाँ पर 2,50,000, 2 जीरो चुपचाप कट कर दो भाई, और 2500 को 81 के साथ में कर दो मल्टीप्लाई। बहुत ही सिंपल था देखिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 81 और 25 मल्टीप्लाई करके कोशिश करता हूँ कि आंसर क्या आता है, देखते हैं। आंसर आएगा 2,02,500, ठीक है। दिस विल बी द आंसर आफ्टर 2 ईयर्स, उस जो भी परचेस किया था उसकी वैल्यू 2,02,500, बट यहाँ तो कुछ और बता रहा है। ओके, हमको माइनस करना है, क्योंकि वैल्यू डेप्रिशिएटेड फाइंड करना है, इसलिए हम लोगों ने जब पीछे आंसर देखा तो वो कुछ और आ रहा था। तो 2,50,000 में से आपको क्या करना पड़ेगा, 2,02,500 माइनस करना पड़ेगा।
और जब ये ऐसा करोगे आप माइनस करोगे तो आंसर आएगा 47,500, सॉरी हाँ यस 47,500 रुपीज़ जो है वो आपका एक्चुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा, इतनी वैल्यू जो है भाई कम हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये वाला आंसर आता है। और अब हम आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, दैट इज दिस वन, फिफ्थ वन। ओके, तो क्या दिया हुआ है, सीधी सीधी क्वेश्चन दी हुई है, बट यहाँ पर आप देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट, दिस इज द अमाउंट गिवन। और अमाउंट पहले गिवन वाले क्वेश्चन हम लोगों ने कभी किए नहीं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। अब प्रिंसिपल नहीं मालूम तो भाई प्रिंसिपल को तो आपको एक्स कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। पहले प्रिंसिपल फाइंड करो, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो। रेट ऑफ इंटरेस्ट 16%, जो हमारा टाइम दिया हुआ है वो 2 ईयर्स का दिया हुआ है। सीधे सीधे फॉर्मूला डालना है और शुरू हो जाना है। मैं कोशिश करता हूँ इसको ज़्यादा फास्ट सॉल्व करने की, ताकि आप लोगों को जल्द से जल्द आंसर इसका मिल जाए। बट है तो डिफ़िकल्ट, याद रखना, क्योंकि यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे 1 प्लस 16 अपॉन 100 होगा, यहाँ पे 2 होगा, ये 1 नहीं, सॉरी 1 था नहीं, ये 4 था, और ये 25। एलसीएम लोगे तो 25 प्लस 4 29 अपॉन 25 का स्क्वायर होगा, यहाँ पे एक्स होगा 4036.80। अब मैं क्या करता हूँ, जब मैं ये शिफ्ट करूँगा इस तरफ, ठीक है, तो ये जो है ये यहाँ पर रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो 4036.80 के साथ में 25 × 25 ऊपर, और उसी के साथ में 29 अपॉन 29 नीचे, पहले ऊपर नीचे था तो ये रेसिप्रोकल हो गया। अब देखते हैं, मैं डेसिमल भी हटा देता हूँ भाई, इसका बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। और एक चीज़ करते हैं भाई, 5 के टेबल से इसको डिवाइड कर देते, छोटा करने की कोशिश करते हैं, इसको भी छोटा कर देता हूँ मैं। ये हो जाएगा 20184, 20184, दिस इज़ द फाइनल वन। लेट्स सी वेदर वी कैन फाइंड आउट बाई डिवाइडिंग इट विद 29। अब देखिए, मैं यहाँ पे 29 से डिवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, 20184, तो कोशिश करते हैं कि आंसर आ जाना चाहिए हमारे इसका 201। पहले चेक करते हैं हम लोग कि क्या ये 201 जो है वो आता है, अगर आता है तो अच्छी बात है, भाई नहीं आता है तो फिर देखना पड़ेगा क्या करना है। ठीक है, अब एक बार हम लोग पीछे भी आंसर चेक कर लेते हैं, अगर डेसिमल में है, आई थिंक फिफ्थ क्वेश्चन इज डेफिनेटली इन द डेसिमल पॉइंट, तो अब इसको हमें, हमारे पास में और कोई इलाज नहीं है, हम लोग डायरेक्टली इसका आंसर लिखने की कोशिश करते हैं। देखो, ये जो 5 × 25 जो है ना, इसको कर दो 125, तो ये जो 20184 है वो 125 के साथ में मल्टीप्लाई होने वाला है। मैंने बोला था ये क्वेश्चन डिफिकल्ट होते हैं। × 125, ठीक है, तो आंसर बहुत बड़ा आने वाला है। 20184 मल्टीप्लाइड बाय 125 का आंसर मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये इतना बड़ा आता है, और 29 × 29 क्या होता है, वो होता है 841। और जब आप इसको डिवाइड करते हो, 2,05,523, सॉरी 25,23,000 को जब आप डिवाइड करते हो, एट फोर्टी वन से, तो आपका सीधा सीधा आंसर मालूम है कितना आता है, 3,000। इसका मतलब ये जो 20184 था, जो हम लोग सोच रहे थे कि डिवाइड नहीं होता 841 से, एक्चुअल में डिवाइड होके आंसर आता है 24। ये देखो, ये 1 जा करो, ये आता है 696, और 1 जा, एंड दिस विल बी 24। सो बेसिकली
इसको इरेज करके मैं आपको आगे का स्टेप यहाँ पे जो है वो लिख देता हूँ, 24 × 125 दैट इज 3000 इज द प्रिंसिपल आगे, एंड फाइंडिंग आउट द कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल 4036.80 माइनस 3000 रुपीज, वी गेट 1036.80 एज द कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत ही डिफिकल्ट था भाई, बड़ी सॉल्विंग थी इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है सारे क्वेश्चंस करने, आगे के कुछ बचे हुए 5 क्वेश्चन जो है वो भी हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।